दोस्तों आज हमारे परिवार में सबसे महत्वपूर्ण विषय बन चुका है एमसीएल की फंडिंग। एमसीएल की फंडिंग की डिटेल्स क्या है, कब होगा, कैसे होगा, तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये जो फंडिंग कर रहे हैं, हम ये जो फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग ले रहे हैं, वो एक अंतरराष्ट्रीय संस्था से ले रहे हैं। एक ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था जो बिजनेस के लिए, पैसे कमाने के लिए काम नहीं करती, तो सामाजिक उद्देश्य के लिए काम करती। और ऐसी कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारी संस्थाएं, कुछ एजुकेशन में काम करती है, कुछ पॉवर्टी में काम करती है, कुछ इस क्लाइमेट चेंज के लिए काम करती है। तो ऐसी कई सारी संस्था है जो सामाजिक उद्देश्यों के लिए काम करती है, मदद करती है। और ऐसी ही एक संस्था है जिससे, जिनसे हम ये फंडिंग ले रहे हैं, और वो संस्था है वर्ल्ड बैंक ग्रुप से संलग्न एक संस्था। और ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो बेसिकली इन्हीं चीजों के लिए मदद करता है। बैंक की जब हम जिक्र करते हैं तो बैंक एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक का उद्देश्य होता है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना, कम इंटरेस्ट से पैसा लेना, ज्यादा इंटरेस्ट से पैसे देना और ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रॉफिट कमाना। तो एक प्रॉपर बिजनेस इंस्टीट्यूशन है बैंक। लेकिन वर्ल्ड बैंक ये ऐसी बैंक है कि जो बनी है सामाजिक उद्देश्यों के, जो बनी है ऐसे लोगों के लिए, ऐसी चीजों के लिए, ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए कि जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य है सामाजिक, जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य है कि इस दुनिया को बेहतर बनाना, इस दुनिया को अच्छा बनाना। और इसलिए ये वर्ल्ड बैंक सिर्फ संस्थाओं को नहीं, सिर्फ कंपनियों को नहीं, तो देशों को भी मदद करती। इनफैक्ट हमारे देश में जो व्हाइट रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई, श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई, वो उस क्रांति की शुरुआत ही वर्ल्ड बैंक से ऐसे ही एक लोन के साथ हुई। तो दोस्तों हम भी ये जो लोन ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, वो वर्ल्ड बैंक के ही संबंधित एक संस्था से ले रहे हैं। लेकिन हमेशा ये पैसे जो देते हैं वो कोई चंदा नहीं होता है, वो कोई डोनेशन नहीं होता, वो एक्चुअली लोन होता है। उसका इंटरेस्ट रेट कम होता है, लेकिन उसके पीछे उद्देश्य है कि ये जो पैसा है जिसके लिए हम लोग कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ सामाजिक उद्देश्य करना चाहते हैं, ये पैसा ऐसे चलता रहे। तो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए डेट एमसीएल को प्राप्त हुआ है। और वो क्यों हुआ है, तो यूनाइटेड नेशंस जो पूरी दुनिया में जितने भी देश है उनकी संस्था है, अब ये यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया के लिए प्लानिंग करती है, लक्ष्य बनाती है, इस दुनिया को कैसे बेहतर बनाए उसके लिए काम करती है हमेशा। तो इन्होंने हमारी इस दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, इस दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाने के लिए विकास के, डेवलपमेंट के कुछ गोल्स रखे, 17 लक्ष्य रखे दुनिया के सामने। ये 17 लक्ष्य को 2030 तक हमें प्राप्त करना है। और इसके लिए फिर उन्होंने पूरी प्लानिंग वगैरह की है, और उसके सभी सभासद देशों के लिए भी उन्होंने ये लक्ष्य दिए, यानी हर एक देश को भी ये लक्ष्य है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य कि जो उन्हें 2030 तक उन्हें करना है। इसलिए उन्हें हर साल उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, इसलिए हर साल उसके ऊपर काम करना पड़ता है, और उसका रिपोर्ट भी उनको यूनाइटेड नेशन को देना पड़ता है। यूनाइटेड नेशन इस काम के लिए इतनी फोकस्ड और इतनी पैशनेटली काम करती है कि हर देश को हर लेवल पे वो मदद करती है। यानी देश को अगर वो प्लानिंग करनी है, आपको ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स करने के लिए प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए मदद करती है। उसके लिए अगर आपको मैन पावर चाहिए, टेक्निकल एक्सपर्ट चाहिए, उसके लिए मदद करती है। इसके लिए अगर आपको फंडिंग चाहिए, फाइनेंस चाहिए, तो उसके लिए मदद करती है। टेक्नोलॉजी चाहिए तो उसके लिए मदद करती है। तो हर लेवल पे यूनाइटेड नेशंस हर देश को मदद करती है, ताकि ये हम सभी लोग मिलकर इस दुनिया को बेहतर बनाए, दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी की राह पर लेके जाए। दोस्तों हम अभी ये जो फंडिंग ले रहे हैं, या ये फंडिंग जो हमें मिली है, वो बेसिकली इसीलिए मिली कि हम भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक के जो की एरियाज है, वर्ल्ड बैंक के जो ऑब्जेक्टिव्स है, वो अलग है। वो ये सभी 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको लेके है। और एमसीएल के सभी प्रोजेक्ट्स अगर आप देखोगे तो एमसीएल के सभी प्रोजेक्ट एक तो ट्रिपल बॉटम लाइन तो प्रोजेक्ट है ही, जो सबसे इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे हर एक प्रोजेक्ट के पीछे हमने प्रकृति का ख्याल रखा है, एनवायरमेंटल आरओए है, हमने हर प्रोजेक्ट के पीछे, हर बिजनेस के पीछे लोगों का ख्याल रखा है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एम्पावरमेंट ऑफ मासेस, फार्मर्स, वुमेन, उनका ख्याल रखा है, और ऑफकोर्स प्रॉफिट का ख्याल रखा है। ये तो हमने काम किया ही है, लेकिन उसी के साथ हम ये कर रहे हैं, हमारी जो बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि जिसमें जितना भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट से 20% प्रॉफिट हम अपने गांव को, हम अपने तहसील को बेहतर या सुजलाम सुफलाम बनाने के लिए करने वाले।
और वो क्या है सुलभ सुलभ बनाने का तरीका, तो यही 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो यही जो पानी में स्वयं पूर्ण हो या एजुकेशन हो, पॉवर्टी एलिवेशन है, ये सभी चीज वो करना है उसी के लिए। जो यूनाइटेड नेशन पूरी दुनिया के लिए जो सोचते हैं वही हम तहसील के लिए गांव के लिए सोचते हैं, और लेकिन इन दोनों चीजों के लगता है पैसा, तो ये पैसे जनरेट करने के लिए हम ये बिजनेसेस कर रहे हैं। तो हमारे ये जो चीजें हैं ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन जो काम कर रही उसी को आगे लेके जाने का काम है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिसके वजह से हमें ये फंडिंग मिली है, कि इसलिए नहीं मिले कि हमने ये सब कुछ कागज पे उतारा है, पेपर पे उतारा है, उसकी रिपोर्ट की है, उनको दी है, सबमिट की है, हमने एक्चुअली किया है ना, हमने अपने पूरे परिवार में, एमसीएल परिवार में इतने सारे उद्योजक जो तैयार किए हैं, जितने सारे एमएसएस एमवीपी है, इतना बड़ा परिवार जो हमने किया है, उसके साथ साथ जितना भी हो सके, जितने पास हमारे जितना भी पैसा हमारे पास था उससे हमने जितना भी काम एमकोल का किया, एमसीएनजी किया, लेकिन किया तो ये सभी जो काम किया है, जो एक्चुअल जिम में फील्ड में जो किया है, इसी की वजह से हमें फंडिंग मिली। और दोस्तों ये जो फंडिंग है ये फर्स्ट फेज की, ये फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग में बोल सकता हूँ, फर्स्ट राउंड ऑफ फंडिंग की ये जो साइज है वो 3000 करोड़ की है। हमें जो अभी ये फंडिंग जो मिल रहा है वो 3000 करोड़, अभी ये 500 करोड़ के 6 किस्त या 6 ट्रांचेस में ऐसी फंडिंग मिली। और अभी वो जो संस्था जो हमें ये पैसे दे रही है उन्हें जब ये पूरे 6 ट्रांचेस इसी साल में, यानी इसी फाइनेंशियल आर्थिक टोटल 3000 करोड़ को एमसीएल को इसी आर्थिक वर्ष में, इसी फाइनेंशियल ईयर में देने हैं। दोस्तों अभी इसकी शुरुआत भी हुई, इसकी शुरुआत भी उन्होंने की जैसा मैंने कहा, और आप देख सकते हैं कि उन्होंने छोटे छोटे ऐसे डेमो ट्रांजेक्शन किए। 15 जुलाई को उन्होंने वो किए, इनफैक्ट उन्होंने शुरुआत 9 तारीख को ही की, लेकिन इनिशियली किस प्लेटफॉर्म पे करना चाहिए, कैसे सर्वर पे करना चाहिए, तो इसके लिए बजे 2-3-4 दिन गए, लेकिन बाद में 15 जुलाई से ये उन्होंने शुरुआत की। 15 जुलाई को उन्होंने 5 ट्रांच किए, 18 जुलाई को 1 ट्रांच किया, तो टोटल 73 करोड़ का उन्होंने एक डेमो ट्रांच किया। अभी ये उम्मीद थी कि ये 2 दिन में ये होने चाहिए थे, लेकिन ये पूरे जो चले, ये पूरा जो स्विफ्ट जो ट्रांसफर था वो स्विफ्ट ट्रांसफर था, उसमें एक बैंक दूसरे बैंक को अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करती है, और दूसरी बैंक जब इतने सारे पैसे आने वाले होते हैं तो पूरा वेरिफिकेशन वगैरह करती है, जिसमें इतना सारा वक्त अभी लग रहा है और लगा। तो इसलिए आने वाले दिनों में अभी जो आगे का जो ट्रांस होगा, आगे की जो फंडिंग होगी, या जिस तरह से ये फंडिंग का ट्रांजेक्शन हो गए, ये होंगे डायरेक्ट वायर ट्रांसफर। अभी इसमें हम वो संस्था आरबीआई से मिलकर ये ट्रांसफर करेगी, ताकि आरबीआई जिसको सब कुछ पता है, जिसके पास सब परमिशन है, सब कुछ है, तो फिर आसान ये सब कुछ होगा। तो आने वाले दिनों में डायरेक्ट वायर ट्रांसफर से ये पैसे ट्रांसफर भी होंगे और एक अच्छे बड़े अमाउंट में भी। दोस्तों ये सब काम करने के लिए हमें एक एजेंसी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये काम, इनफैक्ट कोई भी काम जहां बहुत सारे संस्थाएं संलग्न है, जब बहुत सारी परमिशन लेनी पड़ती है, बहुत सारा कंप्लायंसेस का इशू होता है या करने पड़ते हैं, तो ऐसी चीजों में हमें कुछ एक्सपर्ट लोग चाहिए होते हैं। जैसे अगर आपको घर का भी, अगर आपकी खेती उसको एने कराने, उसके लिए बहुत बार हमें एजेंसी के पास जाना पड़ता है, लेकिन अगर कोई बिल्डर है उसे बिल्डिंग का काम करना है, उसको बिल्डिंग तैयार करनी है, उसको बेचना है, तो उसको तो कंपलसरी ऐसी एजेंसी लगती है जो हर जगह जाए, वो सब सर्टिफिकेट लेकर आए, वो फायर का, वो एने का, सब कुछ लेकर फिर बाद में वो आगे जाके कर। तो हमें भी ये काम करने के लिए ऐसे ही एक्सपर्ट, ऐसे ही लोगों की जरूरत थी, इसलिए हमने एक ऑथराइज्ड एजेंसी को अपॉइंट किया है जो हमारे लिए, हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए एमसीएल की तरफ से ये सब काम करती है। और दोस्तों जिस तरह से ये बिल्डर का जो काम होता है, तो बिल्डर में ये वो जो एजेंसी है वो सभी तरह के परमिशंस लेती है और देती है कलेक्टर साहब को या कलेक्टर कमिश्नर जो भी अथॉरिटी है, और फिर वो उन्हें वो फाइनल परमिशन देती है कि चलो आप बिल्डिंग बना सकते हो। तो वैसे ही हमारे देश में अगर ये काम करना है, हमारे देश में अगर आपको ये कोई इंटरनेशनल फंड ये सब कुछ करना है, तो जो संस्था है जो इसका पूरा नियमन करती है, जो इसकी अथॉरिटी है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो हमारी ये भी, इस संस्था ने भी सभी तरह के परमिशंस लेके आरबीआई को दी, और आरबीआई वो संस्था है हमारे देश में, ये सभी वित्तीय संस्था का वो नियमन करती है, प्रमुख संस्था है, जो इसके बारे में एक फाइनल ऑर्डर भी देती है, रिलीज ऑर्डर भी देती है, और इसका पूरा नियमन
आखिर तक वो ट्रांजेक्शन का करती है, और इसमें वो ऑर्डर भी देती है, और फाइनल जब हमें फंड रिसीव करना होता है तब वो सिग्नेटरी अथॉरिटी जो होती है उस सिग्नेटरी अथॉरिटी की एक जांच करती है बायोमेट्रिक की तरफ से और उसको अपॉइंटमेंट देती है। तो ये जो बायोमेट्रिक अपॉइंटमेंट की का लेटर होता है या जो प्रक्रिया होती है ये आखिरी प्रक्रिया होती है इस सब चीजों में। मैं जो अभी आपको लेटर दिखा रहा हूँ ये एक्चुअल हमारे लिए जो बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट हुई ये वो लेटर है, एक्चुअल आरबीआई का वो डॉक्यूमेंट है। इनफैक्ट इसके आगे एक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन डिटेल्स और केवाईसी। अभी ये भी हमारे ही लिए 3,000 करोड़ के लिए जो आरबीआई ने डॉक्यूमेंट दिए ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। आप देख सकते हैं कि इसमें ये 3,000 करोड़ के लिए है। ये पिछले महीने जून में हुआ, जून का छठवा महीना 2024 का है। ऑफ कोर्स वो आइडेंटिटी अभी मैं आपको नहीं बता सकता क्योंकि जब तक वो पूरे काम कंप्लीट नहीं होता तब तक हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते, ये हम लिखते हैं एग्रीमेंट के दौरान जब हम काम करते हैं। तो ये स्टेटस है, तो ये फाइनल होता है, यानी इसके बाद ये जो पर्सन होता है, ये जो एजेंसी होती है, जो ऑथराइज होती है, वो फिर कम्युनिकेट करती है वो जो पैसा दे रही वो संस्था, जो ले रही वो संस्था आरबीआई, और इसकी जो सिग्नेटरी है वो जो सिग्नेटरी होता है एक्चुअली, तो उसको ऑथेंटिकेशन आरबीआई से इस रिकॉर्ड से या इस पत्र से इस डॉक्यूमेंट से मिलता है। तो दोस्तों ऐसी सब शुरुआत हुई, लेकिन अभी इसमें एक ही चीज है जो थोड़ा सा इश्यू है कि टाइमलाइन बार बार अभी पिछले दो तीन हफ्तों से ये आगे पीछे हो रहा। पहली बार इस महीने में 5 तारीख को 5 जुलाई को मेरा एक वेबिनार हुआ था। अभी उस 5 जुलाई को मैंने आपको कहा था कि 8 जुलाई यानी सोमवार को हम इस फंड को रिसीव करेंगे और 9 जुलाई को हम इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना शुरू कर देंगे, और इसका कारण यह था कि हमें 4 जुलाई को ये रिलीज ऑर्डर मिली थी। अभी ये शुरू होने के बाद मुझे लगा हम लोग भी पहली बार कर रहे हैं, इनफैक्ट मेरा जो नॉलेज इस सभी अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन के बारे में भी पहली बार है, मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की थी तो मुझे लगा ऐसे होगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इसके पूरे जो वेरिफिकेशन है ये बाकी सब जो चीजें है उसको इतना समय लग रहा है। इनफैक्ट ये पूरा जो ट्रांच पहला भी ट्रांच जो हमें करना है उसके लिए टाइम बाउंड टाइम लिमिट है, उस टाइम लिमिट में ही ये काम करना है। जैसे मैंने कहा कि पूरे 6 ट्रांचेस वो एक ही साल में करना है, वैसे पहला ट्रांच भी कितने दिन में करना है उसका एक टाइमलाइन है। अभी ये डिले हो रहा है इसलिए वो संस्था भी हमारे पीछे पड़ी कि आप इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं, लेकिन ठीक है हम जल्द से जल्द अभी इसको सॉल्व करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे और जल्द से जल्द ये फंडिंग हमारे सभी प्रोजेक्ट्स के लिए लेंगे। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत करिए, इसके बारे में जब ये काम होगा और ये जल्द से जल्द होगा अभी क्योंकि हमें भी टाइमलाइन है सभी को, जल्द से जल्द मैं होने के बाद आप सभी को इसके बारे में अवगत करूंगा। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ 3,000 करोड़ की नहीं, देखो 3,000 करोड़ हमारी संस्था के लिए अभी एमसीएल के लिए इस स्टेज के लिए वैसे देखा जाए तो बहुत बड़ी फिगर एक साल में, लेकिन जिस विषय के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं ना ये विषय बहुत बड़ा है, इस विषय के लिए जो पोटेंशियल है फंडिंग का वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट आपको सुन के आश्चर्य होगा कि हम ऑलरेडी अभी नेक्स्ट लेवल का काम कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह से हमारा काम देखा है, एमसीएल का काम देखा है, तो उनको पता है कि हम लोग बहुत जेन्युइन ये काम कर रहे हैं, और इसीलिए हमारी जो एजेंसी अभी काम कर रही है इसके लिए जो पूरे एक्सपर्ट्स बने हुए हैं अभी नेक्स्ट लेवल की फंडिंग भी हमारे लिए तैयार कर रहे हैं, और ये सभी जो फंडिंग है ये सभी जो पैसे है वो बेसिकली आपके लिए आ रहे हैं, आपके सभी प्रोजेक्ट्स के लिए आ रहे हैं, MCL, MCOL, MCNG प्रोजेक्ट्स के लिए आ रहे हैं, बाकी उसके रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस हम करेंगे उसके लिए आ रहे हैं, आपके तहसील को बेहतर बनाने के लिए आ रहे हैं। MCL खुद प्रोजेक्ट नहीं लगाएगा, आप ही लगाएंगे, और ये सभी जो पैसे हैं ये आपके लिए ही आ रहे हैं। देखा जाए तो अगर 3,000 करोड़ बहुत आपको लगते हैं, लेकिन हम जिस विषय में है रिन्यूएबल एनर्जी में है, रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों पिछले साल 142 लाख करोड़ पूरे दुनिया में निवेश हुए थे, और हमारा तो इतना बड़ा पोटेंशियल है, एमसीएल की भी अगर मैं बात करूं तो फिर भी उसे 142 में 1 लाख करोड़ नहीं आए, 10,000 भी नहीं है, सिर्फ 3,000 है, तो आने वाले दिनों में ये जो पोटेंशियल है ये बढ़ने वाला है। इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं, जब हम बात करते हैं कि दुनिया के लिए 20-25% या उससे ज्यादा भी हम फ्यूल ईंधन का निर्माण कर सकते हैं और दुनिया के लिए दे सकते हैं, तो सोचिए आने वाले दिनों में हमारा पोटेंशियल क्या हो, हमारे देश का पोटेंशियल क्या होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है उसके लिए जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर चाहिए, या ये MSP है
जो सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स है जिसके साथ हम सभी पेट्रोकेमिकल चीजों को प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करना चाहते हैं। अब इन चीजों का अगर आप पोटेंशियल देखें तो बहुत ज्यादा है। और क्यों ज्यादा है? तो ये हमारे पास रिसोर्सेस है। अभी आपने मैडम की बात सुनी, मैंने भी सुनी पहली बार, तो उन्होंने जैसे कहा कि कुछ ऐसी नैसर्गिक तत्व है जो सिर्फ भारत में आते हैं। भारत की मिट्टी इतनी अच्छी है, भारत का क्लाइमेट इतना अच्छा है कि हम सोच भी नहीं सकते। और आप जब भी कंपैरिजन करेंगे किसी भी देश के साथ तो आपको पता चलेगा कि हम कितने अमीर हैं वैसे देखा जाए तो रिसोर्सेज में। तो इसी रिसोर्सेज की वजह से हम आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा फंडिंग प्राप्त करने वाले हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ये सस्टेनेबल फ्यूल, सस्टेनेबल फूड और सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स हम दुनिया को तैयार करके दे, बेचे, मैन्युफैक्चर करें और दुनिया को फिर से सस्टेनेबिलिटी के राह पर लेके जाए। और इस पूरे प्रोसेस में अगर हम इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे तो हम 100% हमारा देश दुनिया की नंबर वन इकोनॉमी फिर से बनेगा और फिर से दुनिया को बताएगा कि सही क्या है और दुनिया का नेतृत्व करेगा। जय हिंद, जय एनसीएल।